बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उम्मीद बर खुदा कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आपको, आपके बच्चों को और इन प्यारे बच्चों को सेहत और सलामती से नवाजे, आमीन। अयामे फातिमिये चल रहे हैं और हम बता चुके थे कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा की शहादत की तीन रिवायात हैं। आज हम अपने इन प्यारे बच्चों को बताएंगे कि जो हम ये अय्यामे फातिमिया कहते हैं, मोहम्मद सल्लम क्या कहते हैं, अय्यामे फातिमिया जो कहते हैं, अय्यामे फातिमिया से मुराद क्या है और किन अय्याम को अय्यामे फातिमिया कहा जाता है। याद रहे जो अरब ममालिक हैं और जो उर्दू ममालिक हैं जिन्हें अजानम कहा जाता है, इन तमाम जगहों पे जब शहादते जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा की मजालस करवाई जाती हैं, तो ये जो दूसरी रिवायत है जो कि 75 आयाम की है, 75 डे की है, इस रिवायत से लेकर जो तीसरी रिवायत है वहां तक ये जो दरमियान में दिन आते हैं इनको क्या कहते हैं, आयाम अयामे फातिमिया। यानी अगर हम जमादी उला की बात करते हैं तो जो बीबी की शहादत की दूसरी रिवायत है वो है 75 डे की, जो कि 13 जमादिल उला यानी 13 जमादिल उला बीबी की शहादत की दूसरी रिवायत है। तो अब इस दूसरी रिवायत से लेके जो कि 13 जमादिल उला की है, यहां से लेकर जो तीसरी और आखिरी रिवायत हमारे यहां मशहूर है वो है 3 जमादिल सानी की। ये जो दौरानिया है इन आयाम को अयामे फातिमिया कहा जाता है।